कांड मुड़ जा रे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू पार्ट टू। शायद ये पार्ट टू होने वाला है या फिर उसी के साथ कंटिन्यू होगा, पता नहीं कितना पार्ट बनेगा, बस बनाते जा रहा हूँ वीडियो। और यहाँ पे देखो एक गजब का चीज़ यहाँ पे सेटअप हो रहा है। दिख रहे हैं ना गाइस, ये भाई साहब अभी से कितना हैवी लग रहा है देखो। मतलब ये जो कैमरा सेट करने का रीज़न ये कि मैं जो अभी मछली पकड़ने वाला हूँ उसको लेके खाना वाना थोड़ा बहुत बनाऊंगा, उसका एक छोटा मोटा मतलब वो जो डॉक्यूमेंट्री काइंड बना के पूरा म्यूजिक व्यूजिक डाल के अलग टाइप का एक वीडियो बनने वाला है, जो कि भाई के कौन से चैनल में जाएगा? रूरल रेसिपीज बाय शटर बॉक्स फिल्म। उसमें वहाँ पे तो भाई खाना वाना का दिखाने का है, रूरल रेसिपीज वगैरह वो लोग वो तो वो चीज़ तो आप लोगों को पसंद आएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़्यादा साउंड इफेक्ट मतलब नेचुरल साउंड रहेगा, हाँ नेचर का ज़्यादा रहेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वाला चीज़ आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगा। तो चलो सुबह सुबह हम लोग बता देते क्या करते हैं। सबसे पहली बात है, कल जैसे सबको भूखा रखे थे वैसे नहीं रखेंगे, सबका एनर्जी डाउन हो जाएगा। अभी भाई का भाई चाय बना रहे हैं यहाँ पे, और मैं क्या करता हूँ लुल्लू भाई यहाँ पे पैनकेक लेके आया था गाइस, पैनकेक बनाते हैं है ना। चलो खीर पाउडर पूरा डाल दो ना, नहीं हो रहा है पानी। नीचे कर चाय ग्राम अभी बहुत कुछ बनाएंगे, अभी बहुत कुछ बनाएंगे। वाह आज दिन भर का जो मतलब खाने का ये है, ऐसा आप लोगों को देख के लग रहा है लगेगा कि भाई ये लोग तो सिर्फ खाने के लिए आए हैं। मस्त चाय बनाए, मज़ा आ गया। चलो अभी बनाते पैनकेक, बटर नहीं है इसलिए तेल से काम चला रहे हैं। मज़ बनाना चाहिए आज बना। पता है टिंकू क्या बोल रहा है कि इसके ऊपर अंडा नहीं डालोगे? बोले अंडा कहाँ ला, ला पैकेट ला पैकेट को, पैनकेक के ऊपर जो ये रखा हुआ है बटर रखा है उसको अंडा सोच रहे। चलो ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है, कितना देखो यहाँ पे जबरदस्त पैनकेक दिखने के लिए, बड़ा मस्त लग रहा है। हम लोग इसके साथ खाने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन सचिन भाई ने क्या जबरदस्त चीज निकाले यहाँ पे, प्रॉन पिकल ने। अभी ये जो मतलब क्या झींगा होता है ना उसका पिकल अचार, अचार चिंगड़ी मांस
आप लोग बताओ कैसे है। पैनकेक भी तो अच्छा दिख रहा है नहीं। पैनकेक विद 82 पार्ट। मस्त है पिकल। कौन सा? कौन सा है? पिज़्ज़ा है ना, मस्त लगा। आ भाई पीके देखूंगा। हमारा दिन कैसा? आज थोड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट है गाइस। भाई नीर बोल रहा हूँ। दो देख कर ना सुन। नहीं? एक पीस प्रॉन्स पिकल ले लो, से डुबाओ और काओ। कैमरामैन नजर आ जाओ। मतलब कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग है, मान रहे उत्पादन है, मतलब जैसे ये पैनकेक के साथ पिकल, लेकिन क्या है बोलो, सच में मस्त लग रहा है। हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ एक न्यूज शेयर करना चाहता हूँ। मोस्ट बेट पे हमेशा फ्री मनी मिलता है, वी लव फॉर्चून पे। आप लोगों को एक पिक्चर दिखाता हूँ। मैं जब से मोस्ट बेट पे खेलना शुरू किया, ऐसा लग रहा है मैं कैश प्राइस के समुंदर पे तैर रहा हूँ। अब मेरा मन जो चाहे मैं वो खरीद सकता हूँ। आप लोगों को बस रजिस्टर करना है, पैसा डिपॉजिट करना है और डेली व्हील को स्पिन करना है। मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस मोस्ट बेट के साथ बहुत ही जबरदस्त रहा और मैं आप लोगों को जो व्हील ऑफ फॉर्चून वो ट्राई करने के लिए रेकमेंड करूंगा। गाइस ट्रस्ट मी एंड गिव व्हील ऑफ फॉर्चून अ चांस। तो चलिए मैं आप लोगों को सारा डिटेल्स बताता हूँ, लेकिन आप लोगों को सारा डिटेल्स बताऊंगा नहीं, बताने से आपका सारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा ना। ट्रस्ट करो और लक ट्राई करो, क्या पता आप लोगों को ये एक्सपीरियंस करते करते बहुत ही बढ़िया इमोशन के साथ बहुत सारा पैसा मिल जाए। आप अगर फिर भी ये गेम खेलना चाहते हो तो मोस्ट बेट आप लोग ऑफर करते हैं बहुत सारे गेम्स और रियल कैश भी विन कर सकते हो। यही इंसेंटिव गूगल पे फोन पे के जरिए अवेलेबल हो जाते हैं। डिपॉजिट और विदड्रॉल भी बहुत आसानी से हो जाता है। 24/7 कस्टमर सेवा भी है। तो जिनको गेम खेलना पसंद है उन लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मोस्ट बेट पे आप लोग अपना स्किल और लक ट्राई करो। ज्यादा कुछ नहीं करना आप लोग, बस मेरा प्रोमो कोड यूज करना है TRIP और 34,000 रुपए का वेलकम बोनस पाइए और उसके साथ साथ 250 फ्री स्पिन पाइए। जो मोस्ट बेट का लिंक मेरे नीचे कमेंट सेक्शन पे पिन किया हुआ है, वहां से आप लोग इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हो और ये गेम खेल सकते हो। लेकिन इसको खेलने से पहले मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहता हूँ कि इस गेम में पैसा हारने का जोखिम बहुत होता है। जो छोटे बच्चों लोग जिन लोग अच्छे से नहीं पता, वो लोग ये वाला गेम ना खेले और अपने ही रिस्क से ये वाला गेम खेले। चलने के लिए तुम लोग है ना। सो गाइस चलो अभी चलते हैं इंटरेस्टिंग काम करने के लिए। मछली देखते हैं हम लोगों को कितना मछली मिलता है। कितना क्या लगता है कितना मिलेगा? बहुत सारा 25। बाप रे। और गाइस एक इंटरेस्टिंग चीज है, हम लोग देखो पहली बार मछली पकड़ने क्या लेके जा रहे हैं। ये रहेगा हमारा नाव, इसके ऊपर बैठ के हम लोग मछली पकड़ेंगे। और ये मछली पकड़ने का जो सीन है ना, बड़ा जबरदस्त लगेगा आप लोगों को, क्योंकि मैं गोप्रो से बनाने वाला हूँ और सचिन भाई अपना ड्रोन से, वो भी Air 3 से, मतलब जूम करके ये करके जबरदस्त आएगा। और ये जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ ये भी है हमारे मतलब गोप्रो 11, मतलब अच्छा लग रहा है। मौका मिलेगा तो मैं भी खुदेगा पानी में और चला जाएगा, मैं अकेले जाएगा ऊपर। ऐसा नहीं होगा, देखेंगे। बोला क्या गाना गा रहा है? मौका मिलेगा तो हम भी कूदेंगे। किधर कूदेगा? किधर? चपा चलो। पता नहीं गाइस ये काम करेगा कि नहीं करेगा, हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। स्लीपिंग मैट को लेके जा रहे हैं नाव बना के, और ये चप्पू भी है, काम चला चप्पू। भारी गिर गया है, इतना की भारी गया सर, इतना भारी चप्पू। हला लकड़ी है तू रंडी माँ, लड़की है कहाँ रंडी? पतला सा अपन खल लेके आया था ना मैं डंडा, उसको है ना एक क्या बोलते हैं। और गाइस देखो यहाँ पे एक भयानक चीज दिख रहा है, हम लोग जो हुक डाले थे हुक में देखो कितना बड़ा एक बम पीस फंसा है। पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो गाइस ये देखो, इसमें तो आके ये फंस गया, सांप फंस गया। अरे बहुत बड़ा है एक वाटर स्नेक है। अरे 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 संभल के लगेगा लगेगा मेरे भाई। अरे रुक 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 रुक, अरे रुक जा। हाँ ये काटने के लिए कुछ है क्या? नहीं भाई बहुत बड़ा है ये वाला,
ए चक्कू वगैरह कुछ ला रहे काटने के लिए, पहले काट के इसको अलग करके फिर छोड़ाना पड़ेगा। मैं पकड़ा हूँ काट, अभी तो फिलहाल के लिए इधर से तो काट एक बार थोड़ा। नहीं जहरीला नहीं होता है, ये क्या होता है, ये जो सांप है मछली खाता है, पानी के अंदर ज्यादा टाइम रहता है, मछली वगैरह पकड़ता है, मेंढक वगैरह पकड़ता है, खाता है। तो इसीलिए हम लोग जो मछली पकड़ने के लिए हुक डाले थे वो मछली उसमें लगा हुआ था, वो खाने के लिए आया होगा और फंस गया बेचारा। आप लोग मतलब गांव में भी बहुत सारे? मैं पहले बहुत स्नेक रेस्क्यू करता था, अभी भी मतलब कभी कभार करता हूँ, किसी घर में घुस जाता है स्नेक वगैरह रेस्क्यू करता हूँ, बहुत बड़ा बड़ा किया हूँ, मतलब किंग कोबरा रेस्क्यू किया हूँ, उसके बाद आप बोल सकते हो जो पाइथन रेस्क्यू किया वगैरह। जनरली मतलब यहाँ पे गाँव के लोगों के मार देते थे ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं जाके खुद से रेस्क्यू करता था सबको। पकड़ो डर लग रहा है, क्या रहा है ये पकड़ो इसको, यहाँ पे पकड़ो, यहाँ पे ठीक है। कौन से घुस है मेरा धागा को रिलीज कर, अभी भाई को भी डर नहीं लगता ना, ऐसे नहीं लगता, थोड़ा सोच समझदार इंसान को डर था, पकड़ा हूँ इसका सर, और सबको पता है काटेगा तो क्या होगा, छोड़ दो मर जाएंगे, नहीं मरेंगे, और एक मिनट। तो गाइस इसका काटा तो निकाल चुका हूँ, काटा निकाल दिया हूँ और होप करता हूँ ये बच जाए। यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। इसका कोई टेंशन नहीं है, रेडी ओके छोड़े छोड़ दो भाई पोंड। बहुत बड़ा स्नेक है, बहुत बड़ा, तो पानी में ही जाएगा देखो, ठीक है जाना, तो कहीं पे भी जा रहा है उसका उसका बोल सकते जाने का, बाबूलाल बहुत ही बड़ा है। थैंक यू भाई रेस्क्यू के लिए, अच्छा काम है, टाटा बाय बाय भाई। जो स्नेक है हाँ? मतलब इसका छोटा वाला बहुत देखा हूं, लेकिन इतना बड़ा वाला पहली बार देख रहा हूं, बहुत स्ट्रांग है, करता हूं ये ठीक हो जाए बस, ठीक होगा। और ये साहब बहुत गुस्सेल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है इसमें, बहुत काटता है बहुत तेज़ काटता है ये साहब को, अगर ऐसे पूछ से कहीं पे घर किसी के घर पे घुसे पूछ से पकड़ोगे तो ऐसे फटाक से काट लेगा। ओके इसको पकड़ना थोड़ा ये है ट्रिकी है। अभी जो चीज़ मैंने किया आप लोग कहीं पे भी बिल्कुल भी करने की कोशिश मत करना, मुझे स्नेक के बारे में नॉलेज है बोल के मैं किया हूँ, अगर आप लोग ऐसे करने जाओगे दिक्कत हो सकता है, बहुत झमला हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा सांप ऐसा होता है कि सिमिलर दिखता है लेकिन जहरीला होता है, आप लोगों को अगर सही नॉलेज नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगा, तो ये वाला चीज़ घर पे हो बाहर हो कहीं पे भी कभी भी ट्राई मत करना, रिस्की हो सकता है। और मारो मत है? मारो मत, हाँ बिल्कुल मारो मत। इसकी वजह से ही मैं गया पकड़ने, नहीं तो मैं नहीं जाता सच में क्योंकि कोई तो क्या उसके बारे में जानने वाला है ना, इसलिए मैं 500 मीटर दूर था जाता ही नहीं, हवा नहीं जा रहा है ना इसका, कुछ आवाज आया क्या तैरना तो आता है ना थक जाओ तो भाई इतना दूर में यहाँ पे कहाँ पे थकेगा, उधर लेके जाऊँ ऐसा डर नहीं, नहीं वो उधर मत ले रहे भाई, डर नहीं लगता मेरे को, डर नहीं है, डरता रही हूँ मैं, चले शादी भी नहीं हुआ, चलो गाइस मछली पकड़ने चलते हैं, बाय बाय गाइस बाय बाय। अरे वाह नाव चलाने वाला तो मस्त है, तो चप्पू तो चाहिए ही नहीं रे, छोड़ 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 नहीं, मजा आ रहा है भाई कितना मजा आ रहा है, किधर जा रहा है, इधर उधर लेना है, अबे भाव में मत ले, अरे भाव में हैं अला भाव में मत ले,
गया गया भाव में गया गया जाओ जाओ चलो चलो उतरू क्या पहले तो उस साइड से मैं बोला था करने के लिए देखो पकड़ के बैठो मैं यहाँ पे कहाँ डाला था चप्पू तो गया ए चप्पू इधर आ रहे ये क्या पूरा खाली क्यों दिख रहा है बैठो 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 ए लाला खाली क्यों दिख रहा है रे वही तो नाव आगे क्यों नहीं जा रहा है पकड़ के रखते हैं वो उधर ठीक है छोड़ दो उधर चला जाएगा उधर चला जाएगा लाला मछली कहाँ आएगा आएगा कहाँ आएगा नेट तो खत्म होने को है तुम बोल रहे आएगा ये नाव लेके आके क्या फायदा वो क्या हो गया मालूम है एक बोलो आपको नीचे का बहाव नहीं नीचे का ये है ना सीसा ये क्या बोलता है ये कम हो गया थोड़ा भारी का डालने का रात को फिर से निकलना पड़ेगा लग रहा है मछली के लिए अपना रात में ही लग के लगता है एक भी मछली कैसे नहीं कल इतना मिला या फिर कास्टिंग किया रात को इसलिए सब भाग गया क्या ऐसा तो नहीं होता है भाई हमारा हाँ देखो गाइस हम लोग मोटर वाला ये बोट लगा दिए हैं पीछे दिख रहा है मोटर लगा हुआ है लेकिन जो भी बोला हम लोग को तो मजा आ रहा है फंसा है क्या कुछ नहीं नहीं हम लोग नेट से तो कुछ मछली मिला नहीं अभी कास्टिंग नेट लेके जा रहे हैं क्योंकि भाई आज दोपहर को हम लोग को मछली पकड़ के खाना है ठीक है तो अभी कास्टिंग नेट से कोशिश करें क्योंकि कल रात तो भाई क्या मस्त मिला था कास्टिंग नेट में मजा आया देखने अभी भाई अभी भाई को छोड़ के सबको मजा आया था कल नहीं नहीं मेरे को मजा आया था भाई अगर पावर सेव मोड में था बैटरी अरे मैं चढ़ूंगा आज के लिए पावर चाहिए था ना मस्त लग रहा है वाला सीन ये हग्गू सा हम लोगों को तो मछली मिला नहीं वहाँ से रिटर्न आ गए यहाँ पे थोड़ा बैठे थे थोड़ा बहुत बातें कर रहे थे फिर एक चीज़ जो हुआ थोड़ा कंसर्निंग था थोड़ा टेंशन लग रहा है उसको देख के आप लोगों को दिखा देते उसको फिर जाके बताते देखिए गाइस अगर आप लोगों को याद होगा हम लोग कल जब यहाँ से आए थे यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं था और अभी देखो कितना भयानक रेट से पानी जा रहा है और चलो वो तो ठीक है इस साइड पूरा खाली था लेकिन देखो हमारे गुफा के अंदर अभी पानी आने लगा है ये देखो गुफा के अंदर पूरा पानी भर रहा है कितना भयानक इधर से पूरा पानी वो नीचे से जा रहा था अभी इधर से आके पूरा इधर आ रहा है पूरा भर चुका है कल सिर्फ एक ही गेट खोला गया था
जो ऊपर की तरफ है डोंकराई डैम है, हम लोग जिस डैम में गए थे आइलैंड कैंपिंग करने के लिए ऊपर की तरफ वो डैम है, और उसमें आप लोग देखे थे 10-15 गेट है, तो कल सिर्फ एक गेट खोला गया था जिसके वजह से पानी आप लोग देखे कल कितना बड़ा, और अभी और एक गेट खोला गया इतना हो गया, और अगर शाम को और एक गेट खोल दिए तो ये जो है ना पूरा इसके अंदर पानी रहेगा, तो रिस्की हो जाएगा, इसलिए हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, सारा पैक करके यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि अगर पानी बड़ा यहाँ तक अगर इसके अंदर आ जाएगा तो हम लोग रास्ते में जा भी नहीं सकते, क्योंकि रास्ते में आप लोग देखें कितना भयानक, इतना ज़्यादा पानी, मतलब रास्ता भी ब्लॉक हो जाएगा, नहीं जा पाएंगे, उसका भी एक टेंशन है, और इतना कैमरा गियर, इतना एक्सपेंसिव चीज़ें हैं यहाँ पे, रिस्क नहीं लेते हैं, निकलते हैं यहाँ से, रास्ते में जाके कहीं पे सेफ जगह पे पहुँचने के बाद हम लोग सोच रहे हैं एक बढ़िया साउथ इंडियन चिकन का डिश बनाना है, वहाँ से खाएंगे रास्ते से नदी किनारे ही कहीं पे सेफ जगह पे, वहाँ से बना के खा के फिर जाके निकलेंगे रूम के लिए, ठीक है। तो अभी भी कैंपिंग बाकी है, मत सोचो ख़त्म हो गया है, तो फट से हम लोग ये पहला पैकिंग करते हैं और निकलते हैं, सब कुछ पैक करके निकल चुके हैं। यहाँ पे देखिए कचरा वचरा जितना था वहाँ उसको सबको गला दिए हैं, और यहाँ पे जो बोतल वगैरह रखा हुआ है ये सारा जो जो लोग मछली पकड़ने आते हैं उनका बहुत काम में आता है, इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। कचरा सब जला दिया, चलो अभी निकलते हैं जल्दी से, आगे कहाँ पे जाके खाना भी बनाना है, यहाँ से कोई फिसलना मत, बोल के मैं ही ना फिसल जाऊँ। याद आया मुझे तो लग रहा था कि याद नहीं आएगा, वहाँ पे पहुँचने के बाद ढूंढेंगे गोप्रो का है, गोप्रो का है, अरे वहाँ पे भूल के आ गए, जाना पड़ेगा अभी फिर से। ओ भाई भाई इतना वजन है, ये वजन बढ़ कैसे गया, सब तो बोल रहे थे जाते वक्त थोड़ा वजन घटेगा, बढ़ गया वजन सब। यहाँ पे और एक रात रुकने वाले थे लेकिन ये नेचर हम लोग को भगा दे रहा है यहाँ से बस वो आप लोग का जाओ चलो चलो इधर चलो चलो घर चलो, बोल रहा है इधर मछली मछली नहीं मिलेगा, रह के क्या करोगे, भागो। उसका हालत कैसा है गाइस, देखो अगर याद होगा हम लोग आते वक्त तो नीचे से आए थे, देखो अभी पूरा पानी भर गया है, और अगर और थोड़ा पानी बढ़ेगा यहाँ तक पानी रहेगा, यहाँ पे पानी का वो तो गीला भी है, मार्किंग भी दिख रहा है, तो बढ़ भी सकता है, ऐसा कोई ये नहीं है। अच्छा कि हम लोग डिस्टेंस सही है निकल गए। हम लोग जब गए तो पूरा सूखा था, कितना भयानक तेज पानी जा रहा है, नहीं जाते वक्त यहाँ पे पानी ही नहीं था, हम लोग नीचे से आए थे, और अभी देखो कैसा हालत है, तो देखो यहाँ पे पार करना कितना मुश्किल है यहाँ से। भाई लोगों को हम पार करेंगे वहाँ पर, अभी भाई हमको पार कर रहे हैं वहाँ से। बारिश आ रहा है, बारिश आ गया, ये बारिश आ गया, ये होगा नहीं शायद ये बारिश, हाँ वहाँ पे तो बारिश हो रहा है, हो रहा बारिश की वजह से हम लोग पूरा अपना कैमरा इक्विपमेंट को बचाने के लिए नीचे शेल्टर यहाँ पे शुरू करें क्या खाना बनाना, पानी ये पानी है ना ये ठीक है, हैं ये भी पकड़ लो, कौन ले रहा था ये ठीक है तुम लो, कुछ और कुछ दो ठीक है तुम लो, मैं लेता एक है एक्सचेंज, दो नहीं चार, चार मतलब ये वो कैमरा बैग लाइट बैग ठीक है, मैं तो बोला था वहाँ पर ही लाला ने मुझे बोला नहीं तुम्हारे साथ एक्सचेंज कोई नहीं। गाइस करीब एक घंटा बाद बारिश थमा, क्या ही तेज बारिश हुआ,
अभी शाम के 4 बज के पता नहीं कब हम लोग खाना बनाए, कब खाएंगे, क्या ही झमेला हो रहा है ये ट्रिप पे। चलो निकलते हैं अभी। सचिन भाई ये झमेला कैसा लग रहा है? इधर आओ, खाना पीना नहीं कुछ नहीं। अभी भाई कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है सच में, बिल्कुल मस्त लग रहा है। बिना खाए पिए बिना भूखे पेट। अरे भाई बोल रहे थे वहाँ से खाना पी के आते, आने से हो जाता, पानी का लेवल तो करीब उतना ही है। बारिश होने के बाद कितना गजब दिख रहा है। वहाँ से हम लोग निकलने के बाद पूरा मतलब सेफ जोन में आ गए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर पानी बड़ा भी तो हम लोग यहाँ से आराम से जा सकते हैं। लोकेशन भी देखो कितना मस्त है। हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे खाना वाना बनाएंगे, ये इस जगह पे बढ़िया है, लेकिन इसके लिए और एक दिक्कत ये है कि आसमान को देख के लग रहा है फिर से बारिश आने वाला है, बिजली भी कड़क रही है। ऐसा ना हो कि हम लोग यहाँ पे सेटअप रेडी करें, भीगना ही पड़ेगा। हाँ अगर यहाँ पे बारिश आ गई तो हम लोग भीगना ही पड़ेगा। वहाँ पे जैसे ये था केव था, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो गाइज अगेन अपडेट, हम लोग डिसाइड किए हैं यहाँ पे हम लोग खाना मलपुगा, वनस मलपुगा, मतलब यहाँ पे हम लोग खाना बनाएंगे, नहीं बनाएंगे क्या होगा, मलपुन बुर्ची, बुर्ची मलपुन बुर्ची नहीं मलपुगा। तो गाइस चलो ये इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, टारपोलिन हैंडी रखना, बारिश आया तो लगा देने का, समझ लो। टारपोलिन कहाँ पे रखे इसके बारे में, कितना नीचे, ज्यादा दूर नहीं है, शाबाश। चलो शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले चाहिए पानी लेके आते हैं ना, और यहाँ पे क्या क्या काम है अभी भाई, ये अभी सब काटने का काम हम लोग करेंगे। हाँ सारा निकालो, प्याज टमाटर वगैरह सब निकालो, और एक काम करो लाला और भोला थोड़ा पानी लेके आओ, एक हाँ हाँ एक नैपकिन चाहिए। गाइस यहाँ पे सचिन भाई कटिंग वगैरह सब कर रहे हैं, ऑनियन टमाटर इतना सारा चिकन बनाएंगे ना, सारा नहीं थोड़ा 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 नहीं, पूरा नहीं बनाएंगे, पूरा नहीं होएगा। और यहाँ पे ये जिसको लेके झमेला हो रहा था फिर से कोशिश चल रहा है। आओ तीसरे तुम मुझे आवाज़ आ, यहाँ पे प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसके अंदर गया ऑनियन टमाटर, उसके बाद लाल हरी मिर्च और लहसुन, ये जा रहा है चिकन। एक केजी का मसाला जल रहा है। ए, ए। क्या होता मालूम है, आग नहीं पकड़ते उस पर, अभी थोड़ा बहुत जला था नहीं। हाँ चलो अभी आवा फोड़ा, या, 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 या। और वहाँ पे बैकग्राउंड में चल रहा है ये उनवाड़ा लकड़ी, हा? मतलब लकड़ी से खाना बनाने का सिस्टम क्या बढ़ने की। करी लिप्स और
ये रहा वो मसाला, हमारा स्पेशल स्पेशल मसाला। என்ன தெல போடுண்டா ஊர் எண்ணெய் போடு மேல போடு மேல ஊந்து எண்ணெய் யாவா மஸ்த் மஸ்த் खुशबू इस मसाले का पता नहीं इसमें क्या क्या है ये ऐसा बनने का नहीं है आज अर्जेंट में बना रहा है अच्छा फिर कैसे बनाने का दूसरा टाइप मतलब स्टार्टिंग को प्याज मिर्ची डाल के थोड़ा सेक के अच्छा अच्छा उसको फ्राई करके चिकन बॉईल करके बाद में मसाला डालने का अच्छा अच्छा आज तो हमारे पास टाइम है टाइम कम है इसलिए बारिश देवता थोड़ा रुका है इसलिए इसलिए ऐसा कर रहा है हो गया क्या नहीं था लेकिन अच्छा बनने के लिए अपने पास वो राइस के लिए कुछ नहीं है ना देखने तो बड़ा मस्त दिख रहा है कलर देख रहे हो इसका दिखाने के लिए बोल रहा इधर ही दिखा रहा है कैसा कैमरा मैन है रे गुड 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 इतना बड़ा एनिमल दौड़ के जरा दिखाएगा ना थोड़ा मैं देख नहीं पाया तू कैमरा तो घुमाते कैमरा तुम ऐसे ही पकड़ के खड़े हो जो भी बोलो इसका कलर और टेस्ट जो आ रहा है ओ जल्दी से चावल बने और कमर छपे ना नहीं अभी भाई तो भाई बड़ा जुगाड़ू इंसान है बढ़िया खाना बनाते हैं मतलब कहीं से भी कुछ भी जुगाड़ कर ही लेंगे कोई टेंशन नहीं वो बिना बीवी के बच्चा बनाएगा वो सब लोग बनाते हैं मैं खुद अकेला इंसान नहीं हूँ इतना जुगाड़ी है तो सोच ओ हो मस्त एक चीज सुनने को मिला कान को थोड़ा देखो सुकून मिला आज अगर हम लोग वहाँ पे रुकते ना आज दिन भर ऐसे ही बातें होते रहते तैयार हो चुका है पेट और मुंह दोनों को संभाला नहीं जा रहा अभी नाक को भी संभाला नहीं जाएगा जब इसको खोलेंगे नहीं ये तो चावल है पांच मिनट लगाना ठीक है यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चिकन बचा हुआ था इसको हम लोग थोड़ा मैरिनेट करके घर लेके जाएंगे हम लोग अलग से खाएंगे आज शाम को अगर वो देखना है तो आप लोग हमारे ब्लॉग चैनल में देखना अगर दिखाएंगे तो मन हुआ तो वरना कुछ पर्सनली खाएंगे चलो आज खाएगा आज खाएंगे ना बस 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 अभी भाई आपको कितना चावल दो बोल लो चावल दो दिखते बच जाएगा तो दूसरे को दे दो स्टार्टिंग से सबको डालो भाई पड़ेगा तो एक ही साइड पर अभी देखते ये चिकन का आप लोग इसका कलर देखना इधर आओ देख रहे हो कलर ऐसा चमक रहा है ओह साउथ में यही मसाला डालते हैं इसलिए ऐसा कलर आता है हाँ हम लोग भी भाई से पूरा ऑर्डर करवा लेंगे मजा आ रहा है नहीं मजा आ गया खुशबू मस्त आ रहा है लेग रह गया लेग किसके किसको अभी अभी दे दो लेग लेग बहुत पसंद है अरे अरे तंगड़ी तंगड़ी अच्छा लगता है दो जन बोल रहे मैं किसको दूं हैं ये तो हमारे ये भाई का प्लेट है मुझे लगना चाहिए मुझे भी थोड़ा ज्यादा कर
पक्का बारिश नहीं है ना, बीच बीच में पानी गिर रहा है ऐसा लग रहा है बारिश। तो चलो खा के देखते हैं कैसा लग रहा है। पूरा पूरा रेड है, बड़ा मस्त लग रहा है। अरे ऑनियन मेरे को भी दो यार थोड़ा। तो गाइस इधर आओ, थोड़ा पास आओ, देखो कितना मस्त कलर लग रहा है वाइट राइस के साथ। गर्मा गर्म कमी है थोड़ा। गरम है। पूरा अलग ही टेस्ट आ रहा है। नमक चाहिए थोड़ा। भाई ये जो पूरा साउथ का टेस्ट जो आ रहा है ना, उसके लिए मजा आ रहा है। मतलब हम लोग यहाँ पे नॉर्मल जो चिकन खाया था थोड़ा बोर हो गया था, नया तरीके का बड़ा मस्त लग रहा। मुझे ये मसाला चाहिए। उधर का जितना भी मसाला है ना, जितना भी टाइप का सब चाहिए। हाँ, चावल में क्या पानी कम डाल दिए थे क्या? नहीं, फिर भी कैसे नहीं बना? तो उबल के गिर गया था क्या? झटपट से बनाया ना इसमें। ऐसा लग रहा है सदियों बाद खा रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है? यहाँ का पानी, यहाँ का पानी, यहाँ का पानी।